और प्लेटो रिपब्लिक में लिख रहा है कि हर मनुष्य को जीवन का आखिरी उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति, और वो आनंद कौन सा? शरीर का। तो शरीर के आनंद की प्राप्ति जीवन का चरम उद्देश्य है। बच्चे अगर उसमें रुकावट हैं तो उनको घर में रखना नहीं है, छोड़ देना है। ये मान्यता और परंपरा यूरोप में 2500 साल चली है और यूरोप अपने आप को महान कहता है। अब मजे की बात है कि ये जो परंपरा उनके यहाँ 2500 साल चली बच्चों को लावारिस छोड़ना, तो प्लेटो ने भी अपने बच्चे लावारिस छोड़े, अरस्तु ने भी छोड़े, लेविनिट्स ने भी छोड़े, डेकार्ते ने भी छोड़े। प्लेटो ने तो 4 शादियां की थी, चारों शादियों से जितने बच्चे हुए 12, सबको लावारिस छोड़ा उसने। उन्होंने कहा बच्चा रखना ही नहीं, ये हमारे तो गलती से आया, हमने नहीं लाया, हम तो कुछ मजा ले रहे थे, एक्सीडेंटल हो गया, अब इसको रखना थोड़ी है, छोड़ दो इसको। तो इन छोड़े हुए बच्चों को संभालने के लिए वहां के राजाओं ने और सरकारों ने कुछ संस्थाएं खड़ी की हैं जिनको कॉन्वेंट कहा जाता है। अंग्रेजी का एक शब्द है CONVENT, कॉन्वेंट। कॉन्वेंट का माने है लावारिस बच्चों का स्कूल। यूरोप की पुरानी पुस्तकें जब आप पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारी कॉन्वेंट संस्थाओं का वर्णन है उसमें, ये कॉन्वेंट, वो कॉन्वेंट, मिशेल कॉन्वेंट, जीसस कॉन्वेंट, मैरी कॉन्वेंट, फलाना कॉन्वेंट, ये सब कॉन्वेंट माने लावारिस बच्चों के स्कूल, क्योंकि बच्चों को माँ बाप पालते ही नहीं, अब उनको तो कहीं ना कहीं रखना है, या मर जाए, जानवर खा जाए तो ठीक ही है, अगर बच गए जानवरों से तो कुछ तो करना है। तो सरकार उसकी व्यवस्था करती है या राजा व्यवस्था करता है, उस व्यवस्था की संस्था का नाम है कॉन्वेंट। कॉन्वेंट का अर्थ है लावारिस बच्चों का स्कूल, जहां पर ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके माता पिता का पता नहीं। अब होता क्या है कि कॉन्वेंट में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको माँ बाप तो मालूम नहीं है, लेकिन माँ बाप के बारे में एहसास कराना है तो कॉन्वेंट में पढ़ाने वाले जो अध्यापक होते हैं उनको मदर, फादर, ब्रदर और सिस्टर कहते हैं। कोई टीचर नहीं कहता ये मेरे फादर हैं, ये मेरी मदर है, ये सिस्टर है, ये ब्रदर है, क्योंकि असली नहीं है तो नकली से ही काम चला। अब इस गहराई को जरा समझिए कि जिस यूरोप में 2500 साल बच्चों को घर में पाला नहीं जाता, उनको कॉन्वेंट में रखा जाता है, इसलिए वहां मदर, फादर, सिस्टर और ब्रदर होते हैं। अब भारत में, भारत में अंग्रेज आए तो उनके साथ कॉन्वेंट स्कूल भी आए, अब वो गली गली चौराहे चौराहे खुल गए हैं। यहां तो ऐसी विचित्र स्थिति है, बजरंग बली कॉन्वेंट स्कूल। हाँ दिखाऊं आपको, चलिए मेरे साथ। सरस्वती देवी कॉन्वेंट स्कूल, संतोषी माता कॉन्वेंट स्कूल, भगवान भला करे इन सब लोगों का, महावीर स्वामी कॉन्वेंट स्कूल अभी बंबई में खुल गया, बेंगलोर में खुल गया और जैन लोगों ने खोला, महावीर स्वामी कॉन्वेंट स्कूल। महावीर स्वामी का इस कॉन्वेंट से क्या लेना देना, बजरंग बली का इस कॉन्वेंट से क्या लेना देना है, संतोषी माता का ये कॉन्वेंट से क्या लेना देना है। बिना सोचे बिना अकल हम ये जो करते हैं ना, अब कॉन्वेंट वहां तो इसलिए है कि बच्चे पालते नहीं, तो कोई तो संस्था चाहिए तो उसके लिए कॉन्वेंट है। हमारे हिंदुस्तान में कौन ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को लावारिस छोड़ते हैं, जरा ढूंढिए कोटा में कितने। गलती से अगर किसी बच्चे के माँ बाप का देहांत हो जाए कम उम्र में, तो उसके चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ फूफा सब तैयार हैं उसको रखने के लिए। यहां तो कोई अनाथ होता नहीं, यहां तो कोई लावारिस होता नहीं, और जिस देश में अनाथ और लावारिस नहीं है वहां कॉन्वेंट स्कूल क्यों है? परिणाम अब जानते हैं क्या हो रहा है, हमारे बच्चे कॉन्वेंट में जाते हैं तो उनको तो अंग्रेजी परंपरा से मदर फादर ही सिखाया जाता है कि देखो ये जो व्यक्ति है ना, ये फादर है, ये मदर है, एक घर में है असली, दूसरा है नकली।